दोस्तों बहुत अच्छी खबर, गुड न्यूज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से जिन बच्चों ने चीफ मिनिस्टर सुपर टैलेंट चिल्ड्रन कोचिंग स्कीम 2024 का एग्ज़ाम दिया था और वो सेलेक्ट हो गए थे, तो उन बच्चों के लिए भी गुड न्यूज हैं। साथ में जो बच्चे वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे थे उन बच्चों के लिए भी गुड न्यूज हैं, और जो बच्चे इस एग्ज़ाम को नेक्स्ट ईयर देना चाहते हैं उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में बच्चों को जेईई और नीट की फ्री कोचिंग मिलती है पूरे 4 साल के लिए। जो बच्चे जेईई और नीट करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि इन फ्यूचर आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम होता है ये क्लास 9th और 11th के लिए होता है, और इस साल ये 22 सितंबर 2024 को हुआ था। इसका रिजल्ट आ गया था, रिजल्ट के बाद इसकी काउंसलिंग भी हो गई थी, काउंसलिंग के बाद इसकी क्लासें शुरू होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि लगभग 35,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और टोटली 300 बच्चों का सलेक्शन हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो लिस्ट है ना उसमें कुछ बच्चों को वेटिंग में भी रखा गया था, और वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी यानी कि गुड न्यूज़ है कि आपका नंबर भी आने वाला है जल्दी ही। अब कितने बच्चों का नंबर आएगा वो भी आपको इस वीडियो में बताएगा पता चलेगा। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम है, द क्लासेस ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट विल बी कमेंस फ्रॉम 17/11/24 फिजिकली एट दियर ऑप्टेड इंस्टीट्यूट। सभी बच्चों ने अपना अपना इंस्टीट्यूट चूज किया है, कोई किसी इंस्टीट्यूट में, कोई किसी इंस्टीट्यूट में। तो सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कौन सा इंस्टीट्यूट चूज़ किया है। ठीक है, तो आपकी 17 तारीख से फिजिकली क्लास होंगी, और फिजिकली क्लास जो है ये आपके स्कूल के बाद होगी, या कई बार वीकेंड में भी लगाया जा सकता है, कई बार ये सुबह वाले बच्चों का शाम में, शाम वाले बच्चों का सुबह में, तो इस तरह से हो सकता है। यहाँ पर जो है आपका म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बेस पर ये क्लासें अरेंज भी हो जाती है आगे पीछे। ठीक है, तो एक सूचना है आप सभी के लिए कि स्टूडेंट डू नॉट हैव टू पे एनी अमाउंट ऑफ द इंस्टीट्यूट इन द नेम ऑफ स्टडी मटेरियल। साथ में टेस्ट वगैरह है, कार्ड्स है, बैग्स है, किट्स है, मतलब कुछ भी आपको कोई भी पे नहीं करना है किसी भी तरह के बुक्स के लिए या मटेरियल के लिए। सब कुछ प्रोवाइड करवाती है और इसका जो फंडिंग है दिल्ली गवर्नमेंट करवाती है, तो किसी भी बच्चे को कोई भी पैसा नहीं देना है। और इंस्टीट्यूट वालों को कहा गया कि वह बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाए और व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों को सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लगातार डाली जाएगी। ठीक है, आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, साथ में जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उन बच्चों को क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ऑल स्टूडेंट आर इन्फॉर्म रिगार्डिंग कमेंसमेंट ऑफ क्लासेज 17 तारीख से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ऑल सेलेक्टेड स्टूडेंट अटेंड द क्लास रेगुलरली, आपको क्लास जो रेगुलरली अटेंड करना है, और साथ में जो है नोडल टीचर इंचार्ज इज मॉनिटरिंग टू प्रोग्रेस एंड अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग द कोचिंग क्लासेज। जो भी कोचिंग क्लास में बच्चा जाएगा तो उसकी मॉनिटरिंग होगी, वो क्या पढ़ रहा है, उसका टेस्ट वगैरह होगा, प्रोग्रेस वगैरह होगा, सारा कुछ चेक किया जाएगा, अटेंडेंस चेक की जाएगी, तो आप प्रॉपरली स्कूल कोचिंग जाएंगे ज़रूर। फॉर द एक्सट्रैक्ट लोकेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासेज टाइमिंग कॉन्टैक्ट द इंस्टीट्यूट ऑन द फॉलोइंग नंबर। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट के नंबर भी यहाँ पर साझा किए गए हैं, तो आप नारायण के कहाँ कहाँ हैं तो सबसे पहले आप वो भी देख लीजिए कि कौन सा जो अकेडमी है वो कहाँ कहाँ है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग ब्रांच के हैं और आपने कौन सा चूज किया है आप उसके अकॉर्डिंग आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं नंबर भी, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, सबसे पहले आप जो है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने कौन सा इंस्टीट्यूट और कौन से सेंटर ब्रांच का चूज किया है। ठीक है, ये नंबर वगैरह है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको मैं यहाँ पर ये जो नंबर है अगर आप चाहो तो मैं व्हाट्सअप भी आपको कर दूँगा। अब जो काम की चीज़ है वेटिंग वालों के लिए वो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो 100 बच्चे सबसे पहले देखिए जेई में 100 बच्चे लिए जाते थे, लेकिन 100 में से 100 बच्चे भैया अटेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले 9th की बात करूँ तो ये हैं 9th क्लास में जेई के लिए। अब यहाँ पर अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँगा तो यहाँ पर 100 बच्चे लिए जाते थे, लेकिन भाई बच्चे यहाँ पे मात्र 95 बच्चों ने ही अपना फॉर्म डाला है, यानी कि जो भी काउंसलिंग वो अटेंड किए, तो सिर्फ 95 बच्चों का ही हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो जेई में 5 बच्चों को और मौका मिलेगा, जो वेटिंग लिस्ट में है ना उनमें से 5 बच्चों को और मौका मिलने वाला।
अच्छा जो 95 है इनमें से भी कुछ बच्चे अटेंड नहीं करेंगे क्लासेज, जैसे 17 तारीख से क्लासेज होंगी तो उनमें से भी कुछ बच्चे अटेंड नहीं करेंगे, तो और बच्चों को मौका मिल सकता है, मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा कि कितने बच्चों को और मिल सकता है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बाकी बता देता हूँ, ये जेई नीट वालों का है, तो नीट में 100 बच्चे लिए जाते हैं, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ बताऊँ तो 50 बच्चे लिए जाते हैं और यहाँ पर मात्र 47 बच्चों ने ही अपना इंस्टीट्यूट चूज किया है और काउंसलिंग अटेंड किए, तो 3 बच्चे यहाँ से भी आपको मौका मिलता है। उसके बाद 11th क्लास में जो जेई है उसमें भी फिर से भैया 100 बच्चों को लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर भाई बहुत मौका है, 11th वालों के पास बहुत मौका है, क्योंकि 100 में से यहाँ पे आपको दिखाऊंगा तो कितने बच्चों ने अटेंड किया है, मात्र 85 भाई, 85। और यहाँ पर 15 बच्चे तो वेटिंग में भी नहीं थे, इसका मतलब जितने वेटिंग में ना सबका सिलेक्शन हो जाएगा, सबको चांस मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इससे पहले मैं पहले आपको नीट की बता देता हूँ, और ये जेई नीट का है मेडिकल फील्ड में, और यहाँ पर आप देखोगे तो 50 बच्चों को लिया जाता है और यहाँ पर भी 47 बच्चों ने ही काउंसलिंग अटेंड किए, बाकी 3 बच्चे यहाँ से भी नीट वाले बच्चों को मौका मिल जाएगा। अब सबसे पहले देखिए कि किन बच्चों को मौका मिलेगा, तो जो वेटिंग लिस्ट में उसके बाद लगातार है, मान लीजिए जेई क्लास 9th में 95 बच्चों का ही हुआ है, तो उसके बाद 5 लिस्ट में जो अगले नाम है उनको मौका मिल जाएगा, ठीक है। अभी 95 में भी पूरे बच्चे नहीं जाएंगे, जैसे इंस्टीट्यूट ओपन हो जाता है 17 तारीख से मतलब एक हफ्ता देख लेते हैं, 95 में से कितने बच्चे रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, और अगर 95 में से एक हफ्ते में मान लीजिए 10 बच्चों ने एक भी दिन अटेंड नहीं किया तो उनका भी कैंसिल कर दिया जाएगा और वेटिंग लिस्ट वालों को मौका मिल जाएगा। अब वेटिंग लिस्ट वालों को क्या करना है, तो सबसे पहले अभी मैंने आपको जो नंबर शेयर किए थे उन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, ये थोड़ा सा टफ रहेगा, तो आपको क्या करना है, अपने जो स्कूल है अपने स्कूल में जो भी आपके इंचार्ज हैं इस एग्ज़ाम के उनसे बात कीजिए, उनसे टच में रहिए और उन्हें बताइए कि भाई आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आया है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप में से किन किन बच्चों का वेटिंग लिस्ट में नाम आया है और आपका कौन सा नंबर है। तो आपको क्या करना है, वेटिंग लिस्ट का वेट करना है, और वेट करने के लिए आपको कम से कम एक हफ्ते का टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक हफ्ता तो अभी बाकी बच्चों को देखेंगे, है ना, भाई कितने बच्चे आ रहे हैं कितने बच्चे नहीं आ रहे हैं। इनमें से भी क्योंकि जो बच्चे टोटल नहीं है, मान लीजिए 100 बच्चों को लेना था, 95 ही आए हैं, 5 बच्चे तो हैं ही, तो उन 5 बच्चों को हो सकता है 1-2-3 दिन में कॉल कर दिया जाएगा। आप जो है अपने संपर्क में रहिए, आप अपने जो भी अभी हेल्पलाइन नंबर आपको दे रखे थे हर अकेडमी के, उन हेल्पलाइन नंबर पर भी आप बात कीजिए, ठीक है। साथ में आप वहाँ पर जा भी सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं, अपने स्कूल में बात कीजिए, और अगर आपको कहीं समझ में ना आए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर इंस्टाग्राम आईडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपके लिए और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाऊंगा, ठीक है। लेकिन मिस ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपका नंबर आ गया था लेकिन आपको पता ही नहीं चला कुछ भी, ठीक है। अगले वीडियो में तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर एक अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।